रोजाना ज्ञान वर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 29 अप्रैल 2021 गुरुवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान साईं की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में खुशियों की बरसात रहे। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है और आज के दिन भगवान साईं राम को सच्चे मन से पुकारने से आपकी रुकी हुई कामें भी आज आपको पूर्ण होगी। इसलिए आप सच्चे मन से और सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय साईं राम जरूर लिख दें ताकि साईं राम की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी हम पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 29 अप्रैल 2021 दिन आज गुरुवार का है और महीना जो है वो वैशाख का है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की तृतीया नामक तिथि बन रही है जो कि यह ठीक रात्रि के 1:34 से लेकर ठीक 10:10 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चलिए बात करते हैं नक्षत्र की, तो अनुराधा नामक नक्षत्र बन रही है जो कि यह ठीक 2:29 तक चलेगा और इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं योग की, तो वरियान नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक सुबह के 11:48 तक चलेगा और इसके उपरांत परिध नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 5:58 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहने वाला है ठीक 6:49 तक शाम के और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 9:33 पर और चंद्र अस्त का जो समय है वो रहने वाला है सुबह के 8:33 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगा। तो चलिए बात करते हैं आज का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह के 11:58 से लेकर ठीक 2:12:49 तक चलेगा। आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो 2:02 से लेकर ठीक 3:37 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके किस्मत खराब हो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य झुकते हैं परंतु सुखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या फिर रिश्ते। डोर लंबी हो इसका मतलब यह नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी, उड़ने का तरीका आना चाहिए। दौलत ज्यादा का मतलब सफल जीवन नहीं, जीने का तरीका आना चाहिए। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन मान लो कि दुनिया तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं आपकी डेली राशिफल की। सिंह राशि का दैनिक राशिफल। किसी रिश्ते के खत्म होने से आप अकेला और उदासीन महसूस कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कड़ी मेहनत करना जारी रखें और दुश्मनों की बातों को नजरअंदाज करें। यह समय आपके नेतृत्व कौशल सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और सबको पुरस्कार प्रदान करेंगे। अगर आप पार्टनर खोज रहे हैं तो आपकी तलाश आज खत्म होगी। आपको
एक ऐसे पार्टनर मिलेगी जो आपके लाइफ तक चलेगी। हम आपको बताना चाहेंगे प्यार, रोमांस और अन्य भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आज खुशी और दिलचस्पी चरम सीमा पर है, किंतु सोचकर ही खर्च करें। मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती ही भविष्य में अच्छे निर्णय लेने में सहायता करती है। अगर आपके करियर की बात की जाए तो आज आप किसी अलौकिक शक्ति को अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कौशल प्रशिक्षण और नई चीजों को सीखने के साथ साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करना न भूलें। श्रम और कर्तव्य पालन आपके दो अद्वितीय गुण है। विवादों से दूर रहना आपकी ताकत को कम नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे आपके जीवन का हर समय प्यार और रोमांस से भरपूर है। अगर आप शांतिक सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो जीवन साथी की तलाश करें। हम आपको बताना चाहेंगे कम से कम आज अपनी कमियों को दिमाग से बाहर निकाल दें और हो सके तो इस अद्भुत दिन का आनंद लें। आपको बस ध्यान रखना है और अपने दिल व दिमाग को उस संभावनाओं के लिए खुला रखें जो अब आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लव लाइफ की बात करते हैं। आपके दिल के सबसे करीबी व्यक्ति आज आपको कोई खुशखबरी या सरप्राइज दे सकता है जिससे आपका दिन बन जाएगा। मेहनत और प्रयास का अच्छा फल मिलेगा। हम आपको बताना चाहेंगे परिवार में किसी के रोग से आपका रोजाना का जीवन प्रभावित होगा। प्रेम का इंद्रधनुष आज आप पर मुस्कुरा रहा है और आप शांतिक सुख का अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप जीवन साथी खोज रहे हैं तो आपकी खोज अब खत्म होती है। हम आपको बताना चाहेंगे आपका रोमांस, उत्तेजकता और परमानंद आपके रिश्तों को अर्थ तक पहुंचाएगा। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो आप वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।